मंदिर के लिए छोटी चाहिए ना। अरे तो बाहर तो लगाओगे बाबा। वो तो लाऊंगा ना बाद में। बाप ऐसे ही नहीं है। अरे बात लाए होंगे। दोस्त से लाए होंगे। सही कह रहा। दोस्त से ही लेकर आते तभी चीजें खराब होती पता। सफाई करी थी बाबा। करेंट नहीं लगता सिर से ध्यान रखना। सफाई करी थी मैंने वो उसमें। दिन है ना जब मोटर चालू करी थी मैंने इतनी बड़ी चिंगारी निकली थी इससे। अभी कल वीडियो देख रही थी मैं उसमें वहाँ से मोटर लगाई और करा तो इसमें से इतनी बड़ी चिंगारी निकली। पानी से होता होगा पता नहीं क्यों निकली थी। अभी नहीं दिन लगाई थी। देखिए फ्रेंड मॉर्निंग की सफाई हो रही है तो मैंने सोचा चलो सोफे मोफे सब कर देती हूँ। सुबह का काम रहता है बाकी दिन भर तो फ्री रहती हूँ। तो वो एक चार्जर क्या करा वो कुछ सुधार रहा था घर में बैठ के। चार्जर ऐसे बैठा हुआ था सीसीटीवी कैमरा लगा था कहाँ पे था तो चार्जर उसी में लगा था। जैसे उसने चार्जर उठाया तो वो चिपक गया पता। तो वो चिपक गया तो क्या हुआ वो चार्जर ही गिर रहा है वहाँ से वो कैमरे में देख रहे हो। इतने खतरनाक करंट आया। कभी भी स्विच चालू रहे हो तो वो मत करो निकाल लो पहले। तुम खतरों के खिलाड़ी बनते हो मोटर से खेलते हो वहाँ चालू कर दोगे फिर वहाँ लगाओगे फिर ये करते हो। वो नहीं बोल के नहीं आती इसलिए ध्यान रखो। हाँ वो मैं बोल रही ना होली वाला सिस्टम। अरे दिख नहीं रहा तेरे को कैमरा ऑन है। अरे ये उठा रहा हूँ। हाँ हाँ ऊट पटांग हरकते करता है कैमरे के सामने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर चल रही है मॉर्निंग की सफाई और कितना ही धूल धंकड़ लो पर फिर भी ये बहुत सारी धूल आ जाती है। हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है। मॉर्निंग की चाय वगैरह हो चुकी है मेरी। अब मैं 9:30-8 बजे तक अच्छे से सफाई करती हूँ घर की। उसके बाद ही खाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि पहले ये साफ सफाई भी जरूरी है। और इतना सा घर है बट इसमें धूल धंकड़ बहुत आती है और ये लोग कचरा बहुत करते हैं हमारे घर में। इतने बड़े बड़े हैं ये लोग बट कचरा फैलाने में तो एक नंबर है। ज्यादा यदि कचरा कोई फैलाता तो वो मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड है दोनों बहुत कचरा करते हैं। ये लोग अंदर किचन में भी उतना ही कचरा करते हैं और घर में भी उतना ही करते। और ये यहाँ पर दूसरी बार झाड़ू लग रही है। पहले लग चुकी है यहाँ पर झाड़ू। यहाँ पे भी ये लोग बहुत सारा कचरा पूर देते हैं मेरे हस्बैंड क्योंकि बेटा तो जिम चला गया है बट हस्बैंड ही अभी घर में है तो वो बहुत कचरा पूरा करते हैं यहाँ पर। और धोने का तो उनको ऐसे पड़ा रहता है उनको लगता है मैं लेडीज हूँ तो मैं आराम से धो दूँ सब पूरा घर। पर मैं उनको धोने नहीं देती क्योंकि वो अच्छे से नहीं धोते। आधा अधूरा धोएंगे और पूरा कचरा कचरा कर देते। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू सारे में लग चुकी है और ये गली में मैं डेली झाड़ू लगाना पड़ता क्योंकि घर के आगे अच्छा नहीं लगता कचरा कूड़ा पड़ा रहता है। रोड बहुत छोटा है ये बट चलता इतना है कि यहाँ पर चैन नहीं है चलने वालों की। और ये देखिए बेचारे भैया की साइकिल गिर गई। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और कैमरा भी रखा हुआ था तो ये कैमरे में कैद हो गया क्योंकि बेचारा बहुत सारे कपड़े रख के बैठा था ये साइकिल पे और ये फ़ोन पे बात कर रहा था। बैलेंस बिगड़ा सारे के सारे कपड़े नाली में जाके गिर गए। कुछ कपड़े इसके खराब भी हो गए क्योंकि मैंने इसकी हेल्प की थी थोड़ी साइकिल उठाने में बट मैं उठा ही नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं आपको दिख नहीं रहे। इसके पीछे भी बहुत सारे कपड़े हैं। ये देखिए छोटी सी गली है और बहुत दिक्कत हो रही है। निकलने वाले भी जाते हैं यहाँ पर और ये भी बेचारा खड़ा हुआ अब क्या करे। इतने सारे कपड़े लेके आया बेचारे गरीब का गीला आटा हो गया गरीबी में। देखिए पोछा लग रहा है यहाँ पे। लगाइए लगाइए लगा